So let's discuss the intent exercise 3 of binomial theorem. Binomial theorem ka intent exercise 3. So first question kya? First question is the fourth term in the expansion of 1 minus 2x whole ki power 3 by 2 likha hua hai. So iska binomial expansion dekh sakte hain exponent kya? Fraction. So that will be equal to 1 plus nx. So n ki value kitni hai? 3 by 2 into x is minus 2x. ठीक है, then plus n into n minus 1, so ऐसे लिखते जा सकते हैं हम. क्या कर लेते हैं यहाँ पे, general term लिख लेते हैं. what is the general term? general term is tr plus 1 is equals to of this binomial expansion n into n minus 1 into n minus 2 and so on up to n minus r plus 1 upon r factorial into x to the power of r. ये इन जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है फॉर द जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x होल टू द पावर ऑफ n के लिए, वेयर n इज अ फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर. नाउ अगर इस केस में अप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए? वी वांट, हमारे केस में n कितना है? 3 बाय 2. एंड व्हाट वी वांट इज फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म के लिए r इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो d4 इज इक्वल टू 3 बाय 2 इनटू 3 बाय 2 माइनस 1 इनटू 3 बाय 2 माइनस 2 n into n minus 1 into n minus 2. ठीक है, r equal to 3 substitute किया और यहाँ आ जाएगा minus 2x whole power 3. ठीक है, whole divided by 3 factorial, this should be d4. तो इसको simplify कर लो तो कितना आ जाएगा, this is 3 by 2 into 3 by 2 minus 1 is 1 by 2 and this is minus 1 by 3 into minus 8x cube. ठीक है, divided by 3 factorial is 6. तो d4 that is the fourth term will be equal to, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 गया, 2 2 4 और ये 2 आ जाएगा, so I am getting is minus, ये माइनस और माइनस प्लस बनाएगा, so 2x cube by 6 which is equals to x cube by 3. No, a calculation mistake over here, यहाँ पे ये 2 होना चाहिए था, right? So, इसको रिमूव कर देते हैं. दिस हैज टू बी 3 माइनस 4 इज माइनस 1 बाय 2. तो ये 2 2 2 और ये 8 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ आई कैन सी दैट क्या मिलेगा मुझे, 3 अपॉन 6, तो दिस शुड बी 3 और दिस विल चेंज. सो 3 अपॉन 6 इज नथिंग बट x क्यूब बाय 2. क्वेश्चन नंबर 1. देन क्वेश्चन नंबर 2, क्यूब रूट ऑफ 217. सो क्यूब रूट निकालना है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो 217 होल टू द पावर ऑफ 1 बाय 3, क्यूब रूट का मतलब पावर 1 बाय 3. दिस इज इक्वल टू 216 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 216, 217 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 216 होल पावर 1 बाय 3. नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब जब भी मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करूंगा फॉर नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, तो आई शुड अंडरस्टैंड कि जो 1 प्लस x में x होता है दैट शुड बी लेस देन 1, मॉड x शुड बी लेस देन 1, दैट इज द कंडीशन. तो इसलिए मैं यहां से 216 को बाहर ले लूंगा, सो दिस विल बी 216 टू द पावर ऑफ 1 बाय 3 इनटू 1 प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन 21x होल टू द पावर ऑफ 1 बाय 3. सो दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6 इनटू, यहां पे कितना आएगा यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस nx प्लस सो ऑन. तो आई थिंक आगे की टर्म छोटी होती जाएगी, तो हम सिर्फ एक टर्म लिख लेते हैं, दैट इज 1 प्लस nx, दैट इज 1 बाय 3 इनटू 1 अपॉन 216. बाकी की टर्म्स आई एम neglecting because those will be smaller. So yeah, this will be 6 plus, इसको multiply करेंगे तो this is 1 upon 3 into 36 and this should be equal to 6.01. calculation करके देख सकते हैं. then question number 3 पे आ जाते हैं. the expansion by binomial theorem will be valid if, okay, तो क्या लिखा होगा, 1 upon 4x 4 minus 3x 4 minus 3x whole power 1 by 2. तो इसको हम लिख सकते हैं 4 minus 3x whole to the power of minus 1 by 2. ठीक है, then यहां से मैं 4 common ले लेता हूं, so 4 common लेने पे this will be minus 1 by 2, 1 minus 3x upon 4 whole power minus 1 by 2. तो यहां से अभी क्या condition मिलेगी, ये तभी valid होगा when 3x by 4, that is mod of 3x by 4 is less than, ठीक है, minus 3x by 4 बोलो, 3x by 4 बोलो, it's will be the same.
तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से मुझे मिलेगा दैट एक्स शुड बी मॉड एक्स शुड बी लेस देन 4/3। नाउ दिस शुड बी द आंसर। आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, सो नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 6 माइनस 3x, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। ओके, क्यूब रूट ऑफ 6 माइनस 3x, 4 क्यूब रूट लिखा हुआ है, सो इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 3x होल टू द पावर ऑफ -1/3। न्यूमरेटर में चलेगा ना। मुझे कंडीशन याद होनी चाहिए कि जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन लगाऊंगा तो 1 माइनस समथिंग लिखना पड़ेगा, एंड दैट 1 माइनस समथिंग, दैट समथिंग शुड बी लेस देन 1, दैट इज मॉड ऑफ दैट शुड बी लेस देन 1। तो इसलिए यहां से हम ले लेते हैं 6 को कॉमन, सो दिस इज 6 टू द पावर ऑफ -1/3 इसके बाहर आएगा, तो देन 1 माइनस x/2 आ जाएगा, 3/6 इज 1/2 पावर -1/3। नाउ स्टार्ट एक्सपांडिंग दिस, सो दिस इज 6 टू द पावर ऑफ -1/3 इनटू 1 प्लस nx, सो दैट इज -1/3 3 इनटू -x/2। फिर नेक्स्ट हम लिख लेते हैं और एक n इनटू n -1, सो -1/3 इनटू -1/3 -1 होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू -x/2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड सो आगे के टर्म्स आ जाएंगे। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो विल गेट 6 टू द पावर ऑफ -1/3 इनटू 1 प्लस x/6 प्लस, यहाँ कितना है, माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा, एंड 1/3 इनटू 4/3, ठीक है, 1/3 इनटू 4/3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इनटू x²/4 प्लस। सो सिंपलीफाई करेंगे इसको तो दिस इज 6 टू द पावर ऑफ -1/3 इनटू 1 प्लस x/6, और यहां पे 4 तो कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस शुड बी प्लस 1/18 x², ठीक है, एंड सो जब 1/18 ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इफ यू सी 2/6², 2/6² इज नथिंग बट 1/18 होंगे, तो आई थिंक एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। देन क्वेश्चन नंबर 5, r प्लस 1 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स होल टू द पावर ऑफ -4 विल बी, सो r प्लस 1 टर्म, तो इसका r प्लस 1 टर्म हम कैसे लिखते हैं, p r प्लस 1 इज इक्वल टू n इनटू n माइनस 1 राइट इनटू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 4 r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू x टू द पावर ऑफ r। ये इन जनरल लिखा हुआ है 1 प्लस x होल की पावर n को। अब यहाँ पे वी वांट टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, हमारे केस में एन कितना हो जाएगा, -4 एंड एक्स विल बी -x, सो दिस इज -4 राइट इनटू -5 -6 एंड सो ऑन अप टू एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4, सो 1 -4 -4 प्लस 1 इज -3 आर -3 होल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू -x होल टू द पावर ऑफ आर। नाउ यहां पे हम देख सकते हैं दैट फ्रॉम एवरी टर्म आई कैन टेक माइनस साइन कॉमन, ठीक है, तो दैट विल बिकम प्लस, तो यहां पे आर प्लस 3 आएगा। नाउ नीचे आर फैक्टोरियल है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 चाहिए, सो आई मल्टीप्लाई बाय 1 2 एंड 3 और 4 5 6 एंड सो अप टू आर प्लस 3, तो r प्लस 3 के पहले r प्लस 2 r आ जाएगा, फिर r प्लस 1 इनटू r प्लस 2 एंड r प्लस 3, एंड दिस आई कैन राइट x टू द पावर ऑफ r, माइनस साइन वी कैन सी दैट वो प्लस हो जाएगा। नाउ यहां पे 1 2 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा इनटू r फैक्टोरियल। नाउ यू कैन सी दैट ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 अप टू r, दिस इज r फैक्टोरियल, तो नीचे वाले r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा, r प्लस 1 इनटू आर प्लस 2 इनटू आर प्लस 3 इनटू एक्स टू द पावर ऑफ आर डिवाइडेड बाय 6, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 4,
अपॉन टू प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ माइनस 4, देन आई कैन टेक 2 कॉमन बिकॉज आई वॉन्ट दिस 1 प्लस समथिंग, सो 2 की पावर माइनस 4 आउटसाइड into 1 plus x by 2 whole to the power of minus 4. So this is equal to what? 2 to the power of minus 4 is nothing but 1 by 16, and using the formula this would be 1 plus nx, that is minus 4 into x by 2, then n into n minus 1 by 2 factorial into x by 2 ka square and so on. So I think baki ke term humne likhenge option mein bhi nahi de rakhi hai. So this is 1 by 16, 1 माइनस 2x, देन इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4 इनटू 5 और यहां पे 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 बाय 2 आएगा, सो दिस इज प्लस 5 बाय 2 x स्क्वायर एंड सो सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, सो द एक्सपेंशन इज 1 प्लस 3x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x. ठीक है, नाउ सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1 में भी सॉल्व किया था, सो यू शुड पिक द आइडिया फ्रॉम देयर. तो पहले इसको एक्सपांड कर देंगे तो वी गेट 1 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 2x होल टू द पावर ऑफ माइनस 1. ठीक है, हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, सो दिस इज वेरी इजी ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर इनटू, यहां पे इसको एक्सपांड करो सो दिस विल बी 1 प्लस nx दैट इज माइनस 1 इनटू माइनस 2x देन प्लस n इनटू n माइनस 1, सो n इनटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इनटू माइनस 2x का होल स्क्वायर. The idea is कि मेरे को x cube का coefficient चाहिए तो यहाँ पे x cube के term तक देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब ये 1 multiply होगा x cube से तो x cube create होगा, फिर ये x वाला term x square से multiply होगा तो x cube create होगा and this x square will multiply with this x term, तो सिर्फ x cube का coefficient तक लिखा तो भी हो जाएगा हमारा काम, minus 1 n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial and into यहाँ पे आएगा minus 2x whole power 3 and so on. ठीक है, hopefully you understand, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो चलो इधर लिख लेते हैं, this is equals to 1 plus 6x plus 9x square and यहाँ पे क्या आएगा, 1 plus 2x, यहाँ पे minus minus plus हो जाएगा, so this has to be plus 2 upon 2 cancel and this is 4x square, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे again this has to be minus minus, ये 4 minus sign है तो plus बना देंगे, this has to be 1 into 2 into 3, so 2 and 3 that is 6, 3 factor and 3 factor will cancel with that, that has to be 8x cube and so on. So now you can see that coefficient of x cube, हमने जो exercise 1 में solve किया था वहाँ पे coefficient of x to the power of n निकाला था, so that was more difficult to cancel. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, coefficient of x cube वहाँ से बनेगा, जब 1 8 से multiply होगा, so 1 into 8 प्लस 6 इज 6x, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा सो 6 इनटू 4 एंड प्लस 9x स्क्वायर किस से मल्टीप्लाई होगा 2x सो 9 इनटू 2 सो दिस इज 8 प्लस 24 प्लस 18 दैट इज इक्वल्स टू 32 प्लस 18 दैट इज 50, दिस इज द आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 8, द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 7.995 होल टू द पावर ऑफ 1 बाय 3, सो क्यूब रूट, नाउ हमें क्यूब रूट ऑफ 8 पता है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस 0.005 होल टू द पावर ऑफ 1 बाय 3, नाउ विल टेक 8 कॉमन, सो 8 की पावर 1 बाय 3 इनटू 1 माइनस 0.005 बाय 8 होल टू द पावर ऑफ 1 बाय 3, नाउ क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, तो दिस इज 2 इनटू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस nx 1 बाय 3 इनटू 0.005 by 8, approximate लिखना है तो हमें आगे terms नहीं लिखे तो भी चलेगा because the further terms will be more smaller. ठीक है, तो इसको हम actually यहाँ पे we can neglect those smaller terms. So this is 2 minus 0.005 upon 3 into 4. So this will be equal to, इसको calculate करके देख लो, this should be 1.9
996. Then क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन इज इक्वल टू. सो इसको अगर हम स्टैंडर्ड एक्सपेंशन से कंपेयर करेंगे तो nx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टर इंटू एक्स स्क्वायर, उससे कंपेयर करेंगे. So I can say that nx is equals to 1 by 3 and n into n minus 1 upon 2 factorial into x square. This will be equal to 1 into 4 upon 3 into 6 into x square. ठीक है. So I think यहाँ से तो मुझे दिख जाएगा कि no, मैंने क्या लिखा, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखा हुआ है. तो ये हम किसके लिए लिख रहे थे, दैट इज 1 माइनस एक्स होल टू द पावर ऑफ माइनस एन. अगर ये होगा तो वी कैन सी दैट द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट. दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो. ठीक है. तो इफ यू कंपेयर दिस टू, we can see that the value of n will be equal to 1 by 3. So in fact, minus 1 by 3, because yahan pe minus sign aayega. We are getting the term 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial. Yahan pe bhi dekh sakte ho, 1 plus nx, then n into n minus 1 by 2 factorial calculate karke dekhoge, to that will be 4 by 6. And so similarly other terms. So therefore, the given sum is nothing but expansion of 1 minus x whole to the power of minus 1 by 3. So this is 9. Then question number 10. If r plus 1 term is the first negative term in the expansion of 1 plus x whole to the power of 7 by 2, then value of r. So iska agar general term likhenge, to t r plus 1 term, that will be equal to what? N into n minus 1 into n minus 2 and so on into n minus r plus 1 by r factorial into x to the power of r, where n is nothing but equal to 7 by 2. So first negative term milne ke liye this has to be negative. Theek hai. So therefore I can say that n minus r plus 1 should be negative. So n ki value kitni hai, 7 by 2 minus r plus 1. This has to be negative because n into n minus 1, n minus 2 aisa likhte jaate hain. तो जब लास्ट टर्म देखेंगे, मतलब r प्लस 1 टर्म लिखेंगे, तो उसमें n माइनस r प्लस 1 आना चाहिए. तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ r पता चल जाएगी. सो यहां से आ जाएगा r इज ग्रेटर देन 7 प्लस 2 इज 9 बाय 2. तो r इज ग्रेटर देन 4.5 एंड नाउ वी नो दैट कि r हैज टू बी अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ r इज equal to 5. This is the answer. So now let's discuss intent exercise 4. So we'll come to intent exercise 4. So question number 1. Question number 1 mein likha hai, the number of terms in the expansion of a plus b plus c 4 to the power of n. So I think इसका हमें direct formula पता है, the number of terms are given as number of terms is equal to, हम क्या formula use करते हैं, n plus k minus 1 c k minus 1, right? जहाँ पे k क्या represent कर रहा है कि कितने terms लिखे हुए हैं, यहाँ पे a b c मतलब 3 terms लिखे हुए हैं. So this will be equal to n, k की value कितनी है, so k over here is 3. So k equal to 3 रखेंगे तो we'll get n minus 2 c 2 and n minus 2 c 2 को अगर binomial में मतलब formula से लिखेंगे तो this is n minus 2 factorial upon 2 factorial upon n minus 2 minus 2 that is n minus 4 factorial. This is equal. अच्छा यहाँ पे n plus 2 होना चाहिए था. My mistake, यहाँ पे n plus 2 होगा. So ये आ जाएगा नीचे में n plus 2 minus 2 is nothing but n factorial. So this is n factorial. So this is now equal to n plus 2
इंटू एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, जो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो डिवाइडेड बाय टू, दैट इज टू फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा हुआ है, इफ द थ्री कॉन्सिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x 4 टू द पावर ऑफ n, ठीक है, आर 28, 56 एंड 70। सो लेट्स से द थ्री कॉन्सिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स आर एन सी आर माइनस वन ले लेते हैं, एन सी आर ले लिया मैंने एंड एन सी आर प्लस वन, दीज आर द थ्री कॉन्सिक्यूटिव कोएफिशिएंट। अब हमें क्या दे रखा है, एन सी आर माइनस वन दैट इज इक्वल टू 28, देन एन सी आर 56 एंड एन सी आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू 70। सो वी कैन सॉल्व दिस टू गेट द वैल्यू ऑफ एन एन आर, तो यहाँ से आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा दिस इज फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 28। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 56। यहाँ पे आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 70, ठीक है। नाउ रेशियो ले लो दोनों का, लेट से इसका इसका रेशियो ले लिया मैंने, सो इफ आई टेक रेशियो तो यहाँ मिलेगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन एंड इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे तो दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल एंड दिस इज एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 28/56। तो दिख रहा है दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल से गया ये आर माइनस वन फैक्टोरियल गया ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, सो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये आर ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो दिस इज आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू दिस इज 7/4, 7/8 बेसिकली 1/2, 7 28 and 56 इज 1/2 1/2, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, एक रिलेशन मिल रहा है 2r is equals to n minus r plus 1 which implies n, या तो इसको ऐसा लिख सकते that r in fact 3r is equals to n plus 1, ये आ गया मेरे पास रिलेशन। अब क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते थे, if we divide these two तो क्या मिलेगा, n factorial upon r factorial इंटू एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज दिस टर्म आई हैव रिटन डिवाइडेड बाय, ये कितना लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल, उसको लिख सकते हैं आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल एंड नेक्स्ट टर्म क्या, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, सो दैट इज एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल किसके इक्वल है 56/70, सो 56/70 आ गया। यहाँ से फिर से टर्म्स को कैंसिल आउट करो, एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, दिस आल्सो गेट्स आंसर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर, दिस इज इक्वल टू ये कितना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 7, 8 and 10, तो आई थिंक 4/5 14/5, सो यहाँ से मुझे मिलता है n is equals to 8, सो n equal to 8 is the answer, just little bit calculation बाकी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 7 टू द पावर ऑफ 1/8 4 टू द पावर ऑफ 1024
नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, तो यहाँ पे क्या पूछा है इंटीग्रल टर्म्स, तो सबसे पहले क्या करो इसका जनरल टर्म लिखो, दैट इज आर प्लस वन एन टर्म, दैट विल बी इक्वल टू 1024 इनटू सी आर, देन 5 1/2 रूट 5 की पावर, यहाँ पे आएगा n माइनस आर, सो दैट इज 1024 माइनस आर, और यहाँ पे आता है y टू द पावर ऑफ r, सो दैट इज 7 टू द पावर ऑफ 1/8 4 टू द पावर ऑफ r, सो इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो दिस इज 1024 cr, देन यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से डिवाइड कर लिया, सो दिस शुड बी हाउ मच, ये आ जाएगा 512 माइनस r / 5 की पावर में, एंड 7 की पावर में आएगा r / 8. Now, हमें क्या चाहिए, वी वॉन्ट इंटीग्रल टर्म्स. इंटीग्रल टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पावर ऑफ 5 या 7 होगा दैट शुड बी अ होल नंबर, जब वो होल नंबर होगा तभी तो इंटीग्रल टर्म्स मिलेगी, अगर यहाँ पे जैसे मान लो मैंने r इक्वल टू 7 ले लिया तो 7 की पावर 7/8 तो वो तो इंटीग्रल टर्म देगा नहीं मुझे, सो इट मीन्स r by 8 this should be a whole number, मतलब यहाँ से दिख रहा है r by 8 को अगर whole number होना पड़ेगा तो r should be a multiple of 8, और अगर r multiple of 8 हो गया तो क्या r by 2 whole number होगा, definitely होगा because even होगा तो ये divide कर लेगा r by 2 को, और अगर तुम यहाँ से देखोगे कि r by 2 को अगर एक whole number होना है तो r should be a multiple of 2, तो multiple of 2 में मान लो मैंने 2 ले लिया या चलो 4 ले लिया तो 4 पे r by 8 problem create करेगा, so finally मैं ये बोल सकता हूँ इतना समझने के बाद कि r should be multiple of 8 for integral terms, तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r can be equal to 0 तो भी सकता है, 0 के केस में तो मिलेगा इंटीग्रल टर्म, then it can be 8, then 16 and so on, अब ये कहां तक जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 1024 तक, so this will go up to 1024, in fact 1024 is also a multiple of 8, तुम देख सकते हो कि it is a multiple of 8, ठीक है, so if I understand this now, तो यहां पे मुझे ये कितने values of r लिखी है ये count करना है, so this is an AP, so इसमें number of terms calculate कर लो, so the number of terms is equal to, number of terms calculate करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कि last term is 1024, so 1024 should be equal to a plus n minus r, तो ये तो multiple of r है, so this is n minus 1 into 8, so this gives me 8n is equal to 1032, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, this is 1, then 2 आएगा तो यहाँ पे 8 to the 16, 7, 8, 9 जा 72, so I can see that number of terms are equal to 129, these are 129 terms, so these is my answer, question number 4, question number 4 में क्या लिखा हुआ, number of integral terms in the expansion of, again the same question, बस यहाँ पे expansion different दे रखा है, 5 की power 1/2 plus 7 की power 1/6 whole power of 642, अब अगर ऊपर का question समझ में आ गया तो ये easy हो जाएगा, फिर से same लिख लो general term 642 cr, यहाँ पे आएगा 5 की power 1/2 whole to the power of n minus r, ठीक है, so this is 642 minus r, then यहाँ पे कितना आएगा into 7 to the power of 1/6 whole to the power of r, so again इसको अगर simplified form में फिर से लिखूंगा तो this would be 5 to the power of, यहाँ पे आ जाएगा 3 to 1 minus r by 2 and 7 to the power of r by 6, now I should understand कि r क्या होना चाहिए, should be a multiple of 6, और multiple of 6 हो गया तो r by 2 को तो problem नहीं होगी, so r should be multiple of 6, किसके लिए, for integral terms, so therefore r will be equal to what, 0, 6, 12, 18 and so on, so 642 को देखेंगे तो is 642 multiple of 6, yes it is, तो यहाँ पे आ जाएगा 642, तो यहाँ से फिर से number of terms निकालने के लिए तुम देख लो 642 ab के फॉर्मूले से लिख रहा हूँ मैं ये n minus 1 into 6, so यहाँ से आ रहा है n minus 1 is equal to this is
107. So n किसके इक्वल आ गया 108. So I can say that therefore number of integral terms is equal to 108. This is 108. So this is my answer. Then question number 5. Question number 5 में क्या लिखा हुआ? That the expression 2 plus root 2 whole to the power of 4 has a value lying between. अच्छा, तो इसको वही है, binomial expansion से करना पड़ेगा. तो इसको लिख सकते हैं 4c0 into 2 to the power of 4 plus 4c1 into 2 cube into root 2 power 1 plus 4c2 into 2 square into root 2 का square, then 4c3 into 2 to the power of 1 into root 2 का cube and finally 4c4 root 2 to the power of 4. So कितना है? 4c0 is 1, we are getting 16 plus 4c1 is 4 into 8, 32 root 2. Then 4c2 कितना है? 4c2 को अगर calculate करोगे तो that should be 4 into 3 by 2, तो 6. 6 into 2 square is 4, 24 into यहाँ पे 2, 48. I hope I'm not making any mistake. Then plus 4c3 is again 4, ठीक है? So 4 into 2 into 2 root 2, then plus 4c4 is 1 into 4 आ जाएगा, ठीक है? So this is how much? 16 plus 48 is 64 plus 4, 68 आ गया. Plus 32 plus ये कितना है? 8 to the 16, so 48 root 2. अब क्या करो, इसमें root 2 की value डाल दो, and I think you can then calculate कि किस पे बीच में आएगा 48 into 1.414. So this will be lying in between 135 and 136. This is the answer. Question number 6 में क्या लिखा हुआ? In the digit in the unit plates of the number 183 factorial. 183 factorial and what is next? Plus 3 to the power of 183. Now 183 factorial में तो easily I can tell what will be the unit digit. Unit digit will be 0. Why? Because 183 factorial को लिखोगे तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 तो 10 आ जाएगा. तो 10 आने की वजह से यूनिट डिजिट विल बी 0. सो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं यूनिट डिजिट इन 183 फैक्टोरियल, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. नाउ लेट्स कम टू यूनिट डिजिट इन दिस. तो 3 की पावर 183 में यूनिट डिजिट निकालने के लिए साइक्लिसिटी, यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो व्हाट इज साइक्लिसिटी ऑफ 3? साइक्लिसिटी पता है, साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज 4. अगर साइक्लिसिटी 4 है तो जो भी एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, इन दिस केस 183 लिखा हुआ है, तो तुम क्या करो 183 को यू डिवाइड बाय 4, है ना? 183 को डिवाइडेड बाय 4 किया तो व्हाट इज द रिमाइंडर यू आर गेटिंग? द रिमाइंडर यू आर गेटिंग इज 1. रिमाइंडर यू आर गेटिंग इज 1, करेक्ट? नो, 1 कहां से? 3 आएगा, 1 नहीं, 3 आएगा. लास्ट टू डिजिट को देखोगे तो 183 लिखा हुआ है, तो 83 को डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो यू गेट रिमाइंडर 3. सो देयरफॉर आई कैन से दैट यूनिट डिजिट इन 3 टू द पावर ऑफ 183 विल बी डिपेंडिंग अपॉन 3 टू द पावर ऑफ 3. रिमाइंडर 3 है तो 3 के क्यूब पे डिपेंड करेगा, 3 क्यूब 27, 27 में यूनिट डिजिट इज 7. सो देयरफॉर यूनिट डिजिट इन 183 factorial plus 3 to the power of 183 ये किसके इक्वल हो जाएगा? This will be equal to, ये इक्वल टू हो जाएगा 183 factorial में 0 and यहाँ पे 7, so 0 plus 7 is 7, so 7 is the answer. Then question number 7 में क्या है? Let R is equal to 5 root 5 plus 11 4 to the power of 2n plus 1, okay? Then F is equals to given है मुझे कि F किसके इक्वल है? That is F is equals to R minus greatest integer of R. The value of R into F. अच्छा,
तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर तुम आर को देखोगे, दिस इज नथिंग बट इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन, यहीं पे दिख रहा है आर। इसको अगर इधर लेके जाऊंगा तो ये तो इंटीजर है प्लस सम फ्रैक्शन एफ। नाउ व्हाट आई डू इज आई से दैट कंसीडर 5√5 -11 होल टू द पावर ऑफ 2n प्लस 1। ठीक है, अब तुम देखो ये 5√5 -11 दिस इज गोइंग टू बी अ नंबर लेस देन 1, यू कैन सी दैट अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 5√5 इज समथिंग लाइक 11 पॉइंट समथिंग, और उसको 11 में से सबट्रैक्ट करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रैक्शन। सो आई कैन से दैट दिस इज अ फ्रैक्शन, सो इस फ्रैक्शन को हम बोल देते हैं चलो f। ठीक है, यहां स्मॉल f लिखा था क्वेश्चन में, हमने कैपिटल f ले लिया। नाउ व्हाट यू डू इज कि हम इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज 5√5 प्लस 11 होल की पावर 2n प्लस 1 सबट्रैक्टेड बाय 5√5 -11 होल टू द पावर ऑफ 2n प्लस 1। अगर इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो देखो इनका बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर किया जाए तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करेंगे तो इसमें टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन सी टर्म्स, जो जैसे सबसे पहला टर्म यहाँ पे कितना होगा 2n plus 1 C0 into 5√5 whole power 2n plus 1, और यहाँ पे भी सेम आएगा तो वो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी since there is a minus sign over here, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 times of 2n plus 1 C1 वो even binomial coefficient वाली टर्म्स दो बार ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 times हो जाएंगे। So this is 5√5 whole to the power of 2n plus 1 minus 1 and into root 11 like this so on, ये चलते जाएगा whatever is going to come over here, I'm not worried about that। अब इसको क्या लिखा था हमने, ये लिखा हुआ है r की तरह, तो r is nothing but i plus smaller minus, ये क्या लिखा है हमने fraction, why fraction, this f is a fraction, ठीक है ये fraction है और smaller fraction है तो question में लिखा हुआ है this is a fraction because I can say that 5√5 -11 is lying between 0 to 1। ठीक है, और उसकी पावर कुछ 2n plus 1 भी करेंगे तो फ्रैक्शन ही आएगा, दिस इज इक्वल टू नाउ 2 टाइम्स ऑफ समथिंग ये लिखा हुआ है तो ये दिख रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी एन इवन इंटीजर, 2 टाइम्स लिखा हुआ है सो दिस इज सम इवन इंटीजर, जो भी इवन इंटीजर होगा। ठीक है, अगर ये इवन इंटीजर के इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इंटीजर प्लस एफ माइनस एफ बोथ ऑफ दीज आर फ्रैक्शन, तो एक इंटीजर में कुछ फ्रैक्शन पार्ट को ऐड करेंगे तो इवन इंटीजर तो मिलने नहीं वाला, तो इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो f और ये माइनस f लिखा हुआ है ये क्वांटिटी शुड बी जीरो, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि f शुड बी इक्वल टू कैपिटल f। अब ये मिलने के बाद दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्टेड, अब मैं लिख सकता हूँ r इंटू स्मॉल f का मल्टीप्लीकेशन, दिस इज इक्वल टू राइटिंग r इंटू कैपिटल f। Now, R तो हमें पता है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड कैपिटल F हमने अज्यूम किया था 5√5 -11, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 5√5 प्लस 11 होल टू द पावर ऑफ 2n प्लस 1। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय F व्हिच इज 5√5 होगा, this is 5√5 -11 4 to the power of 2n plus 1, so this is equal to 5√5 का होल स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर पावर 2n plus 1 एंड 125 माइनस ये 5√5 का स्क्वायर इज 125 माइनस 121 दैट इज 4, सो 4 टू द पावर ऑफ 2n plus 1 दिस इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, रिमाइंडर में 5 टू द पावर ऑफ 99 इज डिवाइडेड बाय 13, तो 5 टू द पावर ऑफ 99 को 13 से डिवाइड करना है, सो नाउ इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि वी शुड थिंक ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 13 जो 5 की कुछ पावर के पास आ रहा होगा, इन द सेंस अगर मैं 13 26 सोचो तो 26 इज नथिंग बट 25 प्लस 1 एंड 5 को 25 के टर्म्स में लिखा जा सकता है, सो दिस इज 5 टू द पावर ऑफ 99 इज इक्वल टू 5 इनटू 5 टू द पावर ऑफ 98 बिकॉज़ मुझे 25 क्रिएट करने के लिए 5 स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, सो दिस इज 5 इनटू
5 स्क्वायर पावर 49, और इस 5 स्क्वायर को हम लिख लेते हैं अभी 25 है तो 26 माइनस 1, सो दिस इज 26 माइनस 1 होल पावर 49। राइट, नाउ यहां पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, तो 26 माइनस 1 होल पावर 49 में बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे तो तुम देख सकते हो कि क्या क्या टर्म्स आएंगे। 49C0 into 26 to the power of 49, then minus 49C1 into 26 to the power of 48, और minus 1 की power 1 था, वो minus 1 बाहर निकल गया, plus 1, ये चलते जाएगा, second last term में आएगा, 49C48, 26, and then minus 1, last term होगा minus 1, because 49C49 will be 1 और माइनस 1 है, सो वी कैन सी दैट केस को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ एवरी टर्म ओवर हियर इज डिविजिबल बाय 26, तो इसको लिख लेते हैं 26 टाइम्स ऑफ k बस सेकंड लास्ट टर्म तक और माइनस 1, तो नाउ दिस इज इक्वल 5 इनटू 26 k एंड माइनस 5, तो यहां पे ये टर्म तो 13 से डिविजिबल हो जाएगा, हमें 13 से डिविजिबिलिटी चाहिए और ये माइनस 5 है, नाउ रिमाइंडर कैन नॉट बी माइनस नेगेटिव, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे विल ऐड माइनस 8 एंड सबट्रैक्ट माइनस 8, तो ये आ जाएगा 5 इनटू 26 के माइनस 13 प्लस 8। नाउ वी कैन सी दैट कि ये दोनों टर्म्स जो फर्स्ट लिखे हुए दीज आर डिविजिबल बाय 13, तो बचा क्या 8, सो देयरफॉर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8, दिस इज द आंसर। Now, next question. Next question कौन सा? Question number 9. Question number 9 में लिखा हुआ है, when 2 to the power of 301 is divided by 5, least positive remainder is. तो again same question. तो इसमें 5 से divide करना है, तो अब 2 की कौन सी power close to 5 लिख सकते हैं? Idea है कि x plus 1 या x minus 1 होल की पावर का एक्सपेंशन क्रिएट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को लिख सकते हैं 5 minus 1, सो दिस फर्स्ट विल राइट 2 into 2 की पावर 300, बिकॉज़ 2 स्क्वायर क्रिएट करने के लिए लिखना पड़ेगा और फिर यहां पे आ जाएगा 2 into 2 स्क्वायर की पावर 150, सो दिस इज इक्वल टू 2 into 4, 2 square is 4, 4 is nothing but 5 minus 1, whole to the power of 150, and again by using binomial expansion, इसको लिख सकते हैं, ये सारे terms यहाँ पे divisible by 5 हो जाएंगे, so 5k, और last term बचेगा minus 1, यहाँ पे minus 1 नहीं बचेगा, यहाँ पे plus 1 बचेगा, क्योंकि तुम देख सकते हो, minus 1 की power 150 आएगा last term, तो वो plus 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने 5 minus 1 whole power 150 का expansion लिखते गया मैं, तो this is 150C0, 5 की पावर 150 एंड सो ऑन, और अगर लास्ट टर्म में देखेंगे तो दिस इज 150C150 माइनस 1 होल टू द पावर ऑफ 150, तो सिंस यहां पे इवन नंबर है तो प्लस 1 आएगा, ऊपर वाले केस में ऑड नंबर था तो माइनस आ गया, सो दिस इज 10k प्लस 2, तो नाउ वी कैन सी दैट कि जो लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2, सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिमाइंडर इज। Now let's see question number 10. Question number 10 में क्या लिखा हुआ है? The value of the natural number n says that the inequality 2 to the power of n is greater than 2n plus 1 is valid for n greater than equal to 3 and less than 3 for any n or for no n. Okay, so इसको हम solve कर सकते हैं by using the concept of mathematical induction. तो सबसे पहले क्या है कि in step number 1 mathematical induction में स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, वी चेक कि कौन सी वैल्यू ऑफ n के लिए ये ट्रू होगा, सबसे पहले वेदर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा, सो हम देख सकते हैं दैट दिस इनइक्वालिटी, इसको अगर हम बोल देते कि लेट p ऑफ n इज 2 टू द पावर ऑफ n ग्रेटर देन 2n प्लस 1, राइट, सो हमें पता है दैट p ऑफ 3 इज ट्रू, n इक्वल टू 1 और 2 के लिए ट्रू नहीं होगा, p ऑफ 3 इज ट्रू, नाउ हमें ये पता है। Now, in step number 2, what we will do is, we will assume that this is true for, that is, P of n is true for some n equal to k,
right, for n equal to k, and where k belongs to a natural number. Or the natural number, obviously it will be greater than equal to, it will be greater than 3 only. ठीक है, क्योंकि आप ये n equal to 3 के लिए valid है. Now if we know that this is true for n equal to k, so हम लिख सकते हैं p of k, that is 2 to the power of k is greater than 2k plus 1. Let's call this as 1. Now in the next step, that is step number 3, हम क्या कर सकते हैं इसको? हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इन स्टेप नंबर 3 दैट दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर k प्लस 1. सो प्रूफ p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम बोल सकते हैं कि दैट विल बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो p ऑफ k प्लस 1 अगर हमने देखा तो दैट विल बी इक्वल टू 2 to the power of k plus 1 greater than 2 times of k plus 1 plus 1. This is what we are supposed to prove. अब हमें क्या पता है from 1? 1 से हमें पता है कि 2 to the power of k is greater than 2k plus 1. Correct? Now, इसमें हम क्या करते हैं? We'll add a 2 on both sides. तो अगर हमने दोनों साइड 2 add कर दिया, so we'll get 2 to the power of k plus 2 is greater than 2 to the power 2 into k plus 1 plus 2. Fine. This is not 1, this is 2. ठीक है, देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे 2k plus 2 plus 1. तो that same thing is written over here. Now, हमें पता है कि ये जो 2 की पावर k होगा, 2 to the power of k, this will be always greater than 2. ये हमेशा 2 से बड़ा होगा. ठीक है, obviously k is a natural number. तो using this, अब हम यहाँ से इस inequality को क्या लिख सकते हैं, that 2 to the power of k plus 2 to the power of k, ये भी बड़ा होगा from 2k plus 1 plus 2, because 2 to the power of k is always greater than 2. तो यहाँ पे 2 की जगह मैंने 2 की power k भी substitute कर दिया, then also this inequality will be valid. ठीक है, तो नाउ वी कैन सी दैट इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर ऑफ k ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 1, एंड दिस इज 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 1. सो हम अब देख सकते हैं कि वी हैव प्रूव दैट p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. ठीक है, सो नाउ इन स्टेप नंबर 4 वी कैन से दैट In step number 4, we can say that by mathematical induction, P of n is true for n greater than equal to 3. So n greater than equal to 3 should be our answer. Thank you.